हेलो सत श्री अकाल, कैसे हैं तुम्हें? एक्चुअली आप सबको पता चल गया है कि आई एम द बेस्ट ड्राइवर इन मुंबई एज वेल। इधर अभी ड्राइविंग मेरे लिए इजी हो गया है, सो इसे देखो, हाथ के बिना भी मैं ड्राइव कर लेता हूँ। चुप बैठो। तो आज हम जा रहे हैं आइकिया। हम एक एस्थेटिक किचन, बाथरूम, बेडरूम सब कुछ देखने के लिए जा रहे हैं उधर, क्योंकि जैसे आपको पता है नीता का नया घर बन रहा है, सो यू मस्ट हैव सीन दैट। सो वी आर गोना फाइंड समथिंग रियली नाइस फॉर देयर, एंड आई हैव वेरी गुड कंपनी विद मी टुडे। आज हमारे साथ सानिका है एंड नीता की मम्मी भी है, सो वी विल बी। हेलो गाइस, मम्मी को मेरे आइकिया जाने का बहुत एक्साइटमेंट है ना मम्मी? क्यों? आइकिया पसंद है आपको? क्योंकि वहाँ पे उसके फेवरेट बर्तन मिलते हैं, वही चाहिए उसको, इसलिए आई है आज वॉक अपना छोड़ के। हमें लेफ्ट जाना है? नहीं, हमें स्ट्रेट जाना है। ऊपर से चलो आजू बाजू देख के। तो हम जा रहे मतलब आइकिया, जैसे इसने बताया, तो मुझे देखना है वहाँ पे कैसी चीजें मिलेंगी, क्या हमें सिर्फ एक बार लुकआउट करना है। उसको उधर जाना था, मैं ये लेन में वो लेन में। यहाँ पे ऐसे गाड़ी चलाते चिन्ना को ना बहुत अलग लगता है, यहाँ पे लोग कैसे बीच में ही आते हैं, ये बोलता है यहाँ पे कैसे होता है। मैंने बोला यही तो खासियत है इंडिया की। इट्स ओके, अभी मस्त सनसेट हो रहा है जैसे, और ये टाइम पे जा रहे हैं बेस्ट। आज मस्त सोए हम लोग, आपने होलिका ब्लॉग तो देखा ही होगा, और हम बहुत ज्यादा इस टाइम मजा किया था और बहुत थके थे रात को, और मूवी नाइट भी की हम सब लोगों ने। मस्त था, बहुत मस्त था। तो फिर इसलिए हम लोग की पूरी नींद हो चुकी है, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं, सानू, चिन्ना हम लोग और बागड़े हम लोग अबू धाबी जा रहे हैं, जैसे कि इसने पहले ही ब्लॉग में बता दिया है। कितना ब्लॉग में बताया? मेरे ब्लॉग में बताया तुमने। okay. तो कट कितना करे तो उसमें क्या बता ही देते। इट्स ओके, चलो लेट्स गो। क्या है? ओ ये लास्ट टाइम खाया था ना हमने, चलेगा। By the way, this IKEA is massive. ये सबसे बड़ा IKEA है मुझे लग रहा है मुंबई में, ना? नवी मुंबई वाला। तो एक चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ, इधर मेरे हजार नाम है, ग्रे, गैरी, चिन्ना, GSR और मेरा एक्चुअल नेम गुरदीप। बट एक्चुअली क्या है ना, इट डजंट मैटर कोई भी नाम हो, एज लॉन्ग एज वो पहचान रहे हैं, उनको पता मैं कौन हूँ, दैट्स मोर देन इनफ। एंड प्यार से लोग ऐसे नाम बुलाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इंस्टाग्राम पे और वैसे दूसरी जगह पे हमारा नाम ऐसे होता है, यूजर नेम वैसा होता है, उसकी वजह से थोड़ा नाम का ऐसे हो जाता है जोर जाल। बट सही है। बाकी अभी हम आईकिया की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, और अभी हमें ना यहाँ का अच्छा, हम जो फर्स्ट टाइम आई के आए थे ना, हमें ना बहुत ऐसे जो नए आते हैं ना उनके लिए थोड़ा होता है कि कहाँ से जाए। हमने पूरा यहाँ का PhD कर रखा है। एक्चुअली क्या ना, नीता ने इंग्लैंड में बहुत अच्छे एस्थेटिक्स देखे घरों के। हाँ, ये बात सच है। हाँ, और जो इसको जैसे मस्त लगे ना उधर एस्थेटिक। हाँ, मैं हमेशा वॉक के लिए जाती थी ना, वहाँ के सब डिजाइन में सानू को फोन पे बताती रहती थी। हाँ, वो एस्थेटिक देख के फिर अभी इसको आइडियाज आ रहे कि इसका घर कैसा होना चाहिए ना। बाकी ये न्यूयॉर्क भी गई थी, इसने उधर भी काफी कुछ देखा ना। नहीं, पर मैंने I'm inspired by London, because I'm traveling so many times. English, yeah. Okay, शाइनिंग वाली इंग्लिश मार रही है तो अच्छा है। अभी उसको एस्थेटिक्स का पता है, उसको पता है उसको क्या चाहिए, सो चलो देखते हैं। सो इधर आइके में जो रेस्टोरेंट है वे, ये भी बहुत अलग और मस्त है। इधर तुम्हारा फेवरेट खाना मिलता है ना। हाँ, घर पे बनाती हूँ वैसा नहीं। नहीं, नीता का कुकिंग सबसे बेस्ट है। मम्मी से बेस्ट? नहीं 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 नहीं, मम्मी से बेस्ट नहीं, मम्मी का अपनी जगह पे, तुम्हारा अपनी जगह पे। क्या बोला? हम साथ में बैठ के वाइन पी सकते हैं। तू तो खुद वाइन नहीं पीती है फिर? मैं एक ग्लास में पीना चाहती हूँ। बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज रास्पबेरी जूस। पी लो मम्मी, पी लो। मम्मी बिल्कुल मत लो, ये ऐसी गंदी चीजें सिर्फ तुम ही पी सकते हो। नाइस, इट्स लाइक, प्लीज मत बोलना आई एम रूड, बट चिन्ना ना।
जैसे मेरा डैड ना 0% बियर पीता है, 0% बियर, ये सच में बियर वाला टेस्ट है। मैंने कभी बियर जिंदगी में नहीं पिया है, बट 0% बियर जैसा टेस्ट है इसका, जो मुझे खुद ज्यादा मस्त नहीं लगता, बट रास्पबेरी के टेस्ट की वजह से भी पी रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। और ये भी बात बता दो कि तुम्हें कोई भी चीज पानी से हजम नहीं होती। एक्चुअली क्या है ना, जैसे कोक पीने के लिए मैं बहुत यूज्ड हूँ, पिज्जा पास्ता चिप्स बीन्स के साथ ऐसी चीजें खाते हैं ना, तो कोक यूज्ड हो गया हूँ पीने के लिए, और बाकी चीज़ें हजम हो जाती है। बाकी ये 80 रुपीज़ में दिया जैसे नीता ने बोला, तो इसके मुझे लग रहा 5 ग्लास पीने पड़ेंगे मुझे। हम कैसे खाना खाने के बाद पानी पीते हैं और फिर हमें लगता है कि वाह, मतलब मुझे तो खुद हमारे घर पे, मतलब यहाँ पे तो सब सारे लोग वैसे ही होते हैं। ये देखो हम पानी पी रहे हैं, सी सानिका आल्सो ड्रिंकिंग वाटर, मैंने भी, तो फिर मैं भी पानी पीती हूँ। पर इसका ऐसा है ना, उधर उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम ही वैसी है कि उनको खाने के बाद कोक चाहिए और हमें पानी चाहिए। पानी तो मैं भी बहुत पीता हूँ, पानी हमेशा पीना चाहिए बहुत ज़्यादा। खाने के बाद सिर्फ कोक। क्लॉक बहुत एस्थेटिक है, बाकी कलर्स थोड़े डार्क है, मस्त लग रहे हैं। वाओ, ड्रेसिंग टेबल फिट भी है। ये कैसा लगा तुम्हें एस्थेटिक? ये ऐसा करना है। जैसे आप देख सकते हो अभी भी इतने एस्थेटिक से इतनी अलग अलग चीज़ें हैं, तो वैसे डिसाइड करने में बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम इतने ज़्यादा डिज़ाइन देखते हैं। सो अभी भी देख रही है नीता, अभी भी चॉइसेस चल रहे हैं। मुझे लग रहा है आपसी सहमति के साथ कोई चीज़ चूज़ करनी मुश्किल हो जाएगी। मस्त है ऐसे पिंकी। How are you feeling? Do you feel happy now that you got a plan? Yes. तो अभी कंसल्टेशन करेंगे हम जब आएंगे ना अबू धाबी से, तब हम सुबह, उसने बोला ना हम तभी सुबह 12 बजे आके ऐसे एक दिन फाइनल करेंगे वो चीज़। फिर फाइनल हो जाएगा कि हमारे घर में एस्थेटिक कैसे होने वाला है, अभी दिखेगा नहीं पर एक बार कंसल्टेशन होगा। मेरी बुगली, आई एम एक्साइटेड फॉर इट। Broccoli dumpling. What have you? से खराब होगा तो 10 रुपए मेरा। तो सब खोल के आपको दूंगी, उसके बदले आपको एक एक आम देना पड़ेगा। जितना खराब निकलेगा वो मेरा। क्योंकि हमने क्रॉफर्ड मार्केट से लाया था ना 2 डजन आम, उन्होंने हमें फंसाया पूरी तरीके से, इसलिए हम बोल रहे हैं। टोकरी वाला का पास लिया होगा? नहीं, यही था, टोकरी वाले के पास ही गए थे, बराबर बोला। क्या करते वो लोग? सो गाइस, मैंने ना क्रॉफर्ड मार्केट से आम लाए थे, पर वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जैसे कि ना वो क्या करते हैं ना लोग, ऐसे होता है ना कोई भी, तो उसको ना स्टिकर चिपका के झूठ बोलते हैं। तो मुझे बहुत टाइम से आम खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था, तो मेरे घर के नीचे ही है इनका शॉप। मैंने सोचा अगर वो वैसे आम निकले तो मैं भैया को पकड़ लूँगी। तो फिर मैंने अभी
यहाँ से आम लिए और वो बोले कि अगर वो गंदा निकला या कुछ भी फॉल्ट हुआ तो आप एक एक आम लाना, अगर मीठा भी ना हुआ तो इतना आम लाना। तो मैं जैसे कि प्रमोशन नहीं कर रही हूँ पर मैं बोल रही हूँ कि सच में अच्छे होंगे, आप यहाँ से आओ और आम लेके जाओ। भैया दो आम इससे आप ज्यादा देने वाले हो मुझे। भैया आपका फोन पे इसको दिख रहा हूँ। देखो मजीदुल स्कूल है ना, उसके बाजू में इनका शॉप लगा है। आप इधर तो देखो भैया, अच्छे आम है ना आपके पास। अभी ऋतुजा का कलर होने के बाद मेरा केराटीन चल रहा है और उधर नीता का कलर और केराटीन सब चल रहा है। तो उसने बाकी सब शॉट तो निकाले होंगे, ये तो सिर्फ एक बीच में शॉट डालने के लिए ही कि हम भी आए हैं। ओके ऋतुजा, ऋतुजा पहले तुम बताओ अभी क्या कर रहे हो? हम लोग कर रहे हैं भजन ही अकेली कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं पालक पनीर। पालक पनीर, फर्स्ट एवर टाइम यू गाइस आर मेकिंग पालक पनीर टुडे। हां, हम लोग पनीर खाते ही नहीं है, पालक भी अभी खाने लगी है। एंड लोग पनीर को बच को मिलने से पहले घर का कुटे बनाया था। आपने मैं बाहर खाती हूं, हमारे घर पे बाकी कोई नहीं खाता। And aaj we are all a little bit tired because we went to Shanu salon 7 in the morning. 7:30 baje tak hai. Aapne dekha mera pyar itna iske liye hai na, main itni thaki hu, mere se utha nahi ja raha, fir bhi main iske liye palak paneer bana rahi hu. Wah, thank you. Kahan milenge tumhe aise dharam patni? Aap bhi sang tala kadhi kashmir baithe sang tala sang tala. Chalo, so make sure you record the process whilst I go gym and then when I come back I tell you what I think. Yeah. Okay. Chinna first time is making. तीनों ने मिलकर बहुत मस्त उनके ऋतुजा ने बनाया। वो और चाहिए तो बताओ, वो उधर खड़ी है। ऐसी बात है कि आपने कभी वो टेस्ट ही नहीं किया था। और सानिका और ऋतुजा को तो पहली बात सच बोल रही हूँ, इसकी टेस्ट ही नहीं पता है पालक की। पालक उन्होंने, मैंने बोला भी हमारे घर में पनीर खाने वाली मैं अकेली हूँ बस, और पालक तो उसने कभी टेस्ट ही नहीं किया। तो मैंने जो थोड़ा चक चक के मैंने बोला ठीक है, एट द एंड आई डोंट नो, बट एक्चुअली जो सॉस है ना, सॉस जैसे रेस्टोरेंट में होती है वैसे है। It's actually really nice. Considering ये rush rush में बनाया, बहुत अच्छा है। High five दो। Thank God. ये तीनों को ना idea दिया था कि ये बनाने के। Thank you. बराए मम्मी हैला आवडला। रुतुजा हैला आवडला है। हैला आवडला है बोली। रुतुजा को बोलो क्या बोला तुमने? Thank you so much. ये मस्त है। सच में मस्त है। ये जो सॉस है ना इसका, अगर तेला ना आवड़ ना तो तू नेमी बोल तो डायरेक्ट आने का बता क्या करता है वो नहीं खाता। अगर चिन्ना को, हाँ उसका एक रोटी में पेट भरता है, अगर अगर चिन्ना को ज्यादा अच्छा लगा तो वो फिर वो खाता रहता है। नहीं, इसका जो सॉस है ना ये प्रॉपर टेस्ट वैसा क्रीमी क्रीमी है। यस, तो मैं भी खा रही हूँ चिकन पालक पनीर रोटी फुल्का जैसे किया है और कोशिंबीर, और ये खा रही है अंडे की भुर्जी और तांडाची भाकरी।